अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल टाउन कुड़ी और मैं हूं रुखसार। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं दुल्हन के लिए कुछ जरूरी चीजें जो कि हर दुल्हन के पास होना चाहिए। अगर आप भी एक ब्राइड टू बी हो मेरी तरह, तो मैं आज आपके साथ बहुत ही ज्यादा एसेंशियल थिंग्स शेयर करने वाली हूं गाइस, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। एंड ये छोटी छोटी चीजें अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा आपको पहले से ही प्री प्लान करके रखना चाहिए ये चीजें, ताकि एंड टाइम पे आपको जो है इसकी नीड ना पड़े एंड फिर आप इधर उधर ना खोजो कि अब कहां से लाएं किधर से लाएं। और ये सारी चीजें ना आपको पहले से ही रख लेना चाहिए। लेकर गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा वक्त गवाए, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है ये मार्स कॉस्मेटिक का 4-in-1 ट्रैवल ब्रश गाइस। और इसको मैंने ओपन करके पहले ही देख लिया था, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। ये एक वायरल प्रोडक्ट है गाइस एंड हर ब्यूटी ब्लॉगर इसको यूज करती है, एंड मैं भी इसको आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूं। गाइस ये एक ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो कि आपके जगह को काफी ज्यादा कम कर देगा। और मैं आपको खोलकर इसको दिखाती हूँ ये कैसा है। ये कुछ इस तरह का है और इसके जो ब्रिसल्स है ना, मतलब इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि मैंने इससे ज्यादा सॉफ्ट अभी तक ब्रश जो है वो यूज नहीं करा है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है गाइस, जो कि आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड यहाँ पे आपको जो है वो दिया जाता है पाउडर ब्रश, तो आप इसे अच्छे से पाउडर बेक कर सकते हो। एंड जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको गाइस मिल जाता है शैडो लगाने के लिए, है काफी ज्यादा अच्छा। और इसके अंदर एक और ब्रश आपको मिल जाता है गाइस, जिससे कि आप अपना कंसीलर वगैरह लगा सकते हो, हाईलाइटर कर सकते हो, ठीक है। एंड इस वाले ब्रश से आप जो है वो ब्लश वगैरह भी लगा सकते हो। तो 4-in-1 ये ब्रश है गाइस, काफी ज्यादा अच्छा, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रखा है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब कि दूसरे सिटी में शादी करके जाते हैं, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हनीमून पे जाते हैं, तो वहां पे वो अगर मेकअप वगैरह करना चाहती है तो वो लेकर जा सकती है। कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हो तो वहां पे लेके जा सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको अपने वैनिटी पे रखा। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी एसेंशियल थिंग्स जिसके बारे में लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, एंड मैं बात कर रही हूं उस तरह के, ये अल्पीन्स के बारे में गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके काम आते हैं। साड़ी पीन्स भी इसको बोला जाता है। ये आपको 5 रुपए में इजिली मिल जाएंगे, तो इसके मैंने कम से कम 8-10 पीस लेकर रख दिए हैं गाइस, ताकि जरूरी टाइम पे ये मुझे मिल सके। और ये साड़ी पे भी मतलब इतना ज्यादा ये एसेंशियल चीज है ना गाइस कि आपके पास होना ही चाहिए, एंड लास्ट मिनट में ये मिलता ही नहीं है, तो इसलिए आपको पहले से इसको रख लेना चाहिए ताकि आपका ये काम आ सके। जो नेक्स्ट एसेंशियल चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक हेयर ड्रायर। एंड मेरे पास यहाँ पे अगारो का ये हेयर ड्रायर है, ये मेरा फेवरेट है बिकॉज ये है बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड इजिली आप इसको कहीं भी रख सकते हो गाइज। मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ क्यों मैं इतना इसका तारीफ कर रही हूँ। एंड ये आप देख सकते हो बहुत ज्यादा छोटा सा फोल्डेबल है, तो बहुत ही ज्यादा कम जगह लेगा, आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हो एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज का भी है। तो ये दुल्हन के पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो अभी के टाइम पे ना इतने लोग बिजी है कि हर रिलेटिव आपके घर पे आके काम नहीं करेगा, तो इसलिए दुल्हन को ही जो है वो काम करना पड़ता है, और इस वजह से हमेशा उसके नहाने में लेट हो जाता है। उसके बाद अगर मेरी तरह लंबे बाल रहे तो सुखाने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, और बाकी का काम पेंडिंग हो जाता, सर में दर्द हो जाता कभी गीले बाल रह जाने की वजह से। तो वो उस कंडीशन पे ना ये वाला अपना हेयर ड्रायर साथ में रखेंगी तो बहुत अच्छे से बाल सूख भी जाएंगे एंड मैनेज भी हो जाएंगे, काफी ज्यादा आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको रखा है, और मुझे जब भी ऐसी नीड होती कभी लेट या फिर जल्दी मैं नहाती हूं तो जल्दी से जल्दी मैं बालों को सुखा लेती हूं। तो आप भी इस तरह का हेयर ड्रायर ले सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छा, बहुत अफोर्डेबल है, 800 के अंदर आपको इजिली मिल जाएगा, 2 साल की वारंटी भी मिलती है गाइस। तो अब आपको दिखाती हूं नेक्स्ट एसेंशियल थिंग। सो गाइज, इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल चीज है वो है पीरियड पैंटीज, या फिर आपके पास सैनिटरी पैड्स होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपका लास्ट टाइम है, ठीक है, तो आप किससे ही मांगोगे, क्या बोलोगे, शर्म भी आएगी। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो तो बेटर है कि आप अपने बैग में, पर्स में जो है वो इस तरह के पैड्स रखे। देखिए मैं बात कर रही हूँ ये वाले की, ये काफी ज्यादा अच्छा है और ये पीरियड पैंटीज है गाइज, ये एवरी ब्रांड का है, मैंने पहले भी यूज करा तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप ऐसे वाले पैकेट्स भी रख सकते हो एंड ये अफोर्डेबल रेंज का भी है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये डिस्पोजेबल है, आपको इसको धोने रगड़ने की जरूरत नहीं है, बट बस आपको इसको पहनना है एंड उसके बाद इसको थ्रो कर देना, मतलब फेंक देना है। एंड गाइज, अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बोलूँ ना, तो सिर्फ एक पीरियड पैंटी आपको 25 रुपए में मिलेगा एंड पूरा ये पैकेट 12 पीस का आता है, वो सिर्फ आपको 250 रुपए में मिल जाएगा। और गाइज ये काफी सारे साइज में भी अवेलेबल है, तो आप अपने साइज के हिसाब से इसको मंगा सकते हो एंड ये 2 साल के एक्सपायरी के साथ आता है। तो अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट एसेंशियल चीज।
सो गाइज, उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके वैनिटी में होना ही होना चाहिए। अगर आपकी शादी मई जून के टाइम पे हो रही है, अप्रैल के टाइम पे हो रही है, तो गर्मी देखो होती है, एंड इससे क्या होता है ना कि आपका मेकअप बार बार खराब होता है। मेकअप में क्या होता है, पसीना निकलता है, ऑयल निकलने लगता है और आपका मेकअप जो है वो निकलने लगता है। तो इसलिए आपको चाहिए एक फैन कुछ इस तरह का, जो कि मैंने मीशो से खरीदा था गाइज, और ये काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया था। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा क्यूट सा है, एंड इसके अंदर आपको मिरर भी मिलता है, तो आप इसे अपना इजीली टचअप भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका मेकअप कहाँ से निकला है, क्या हो रहा है। करके अगर आपकी शादी अदर सिटी में हुई है ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ट्रैवल करके जाओगे अदर सिटी, तो उस टाइम पे आपके पास इस तरह का मिरर वाला रहना चाहिए। इस पे आप मिरर है, आराम से देख सकते हो। साथ में गाइस एक और चीज दिखाऊं, पीछे यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन दिया जाता है, जिसको ऑन करने के बाद इस तरह से लाइट जो है वो फ्लैक्चुएट होता है, तो इजीली आप अंधेरे में भी अपना शक्ल आराम से देख सकते हो कि मेरा जो फेस है वो कैसा दिख रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक बार और क्लिक करोगे तो इसका फैन चलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप इजीली अपने मेकअप को, मतलब मेकअप करने से पहले भी इसको यूज कर सकते हो, तो आपका जो मेकअप है वो खराब नहीं होगा। प्लस गाइज, बीच बीच में अगर आपको गर्मी लगी तो थोड़ा सा आप हवा खा लोगे, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है गाइज, एंड रिचार्जेबल है, तो मल्टीपल टाइम पर आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हो। अफोर्डेबल रेंज का भी है, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मैंने मीशो से ही मंगाया है गाइज, बट कोई जरूरी नहीं आप ये वाला यूज करो, मैं बात कर रही हूँ ये वाले मिरर के बारे में। ये मिरर आपके पास इस तरह का कोई भी मिरर होना चाहिए आपके बैग में, इसलिए मैंने ये छोटा सा ही लिया है, बट ये बहुत खूबसूरत है। ये ब्रास का है, आप देख सकते कुछ इस तरह का। तो क्या है ना कि आप अगर इसको रखोगे ना, तो आपका जो मेकअप वगैरह है, या फिर लास्ट टाइम अगर आपको मेकअप करना है, टचअप करना है, तो आप इजीली इस तरह के मिरर से अपना कर सकते हो, तो ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। के बाद एक और मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली एसेंशियल चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती है जो कि डांस वगैरह करती हैं, ठीक है, तो उनका कभी मांग टीका इधर होता है, कभी कान का इधर हो गया, कभी गला इधर हो गया, कभी दुपट्टा बहुत ज्यादा संभलता नहीं है, गिरता है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है ना कि आप ये वाले पैचेस ले सकते हो, जो कि मोस्टली एक्ने के लिए आते हैं, और ये काफी ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। वैसे इसको एक्ने पे यूज किया जाता है, ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे मिलेंगे, तो जस्ट आपको इसको पील करना है, एंड आपको यहाँ पे लगाना है, एंड उसके बाद आप इसके ऊपर से जो है ना मांग टीका चिपका दो, चिपक जाएगा। अगर ज्वेलरी पहना है, अगर उसके ऊपर अगर आप इसको लगाओगे तो वो भी चिपक जाएगा। अगर दुपट्टा आपने लगाया, आप इसको लगा लो, वो चिपक जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है गाइस। प्लस अगर आपके एक्ने वगैरह आ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल रेंज का है, तो आप इसको भी ले सकते हो गाइस। ये आपको अमेजोन पे इजिली मिल जाएगा, एंड ये अर्बन यॉर्क कंपनी का बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड। तो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसेंशियल चीज, वो है चूड़ा, जो कि हर दुल्हन के पास होना चाहिए। बट देखो, चूड़ा जो है ना, कुछ ऐसे लेने चाहिए जो कि आप इजिली घर पे भी पहन सको, या फिर हल्के फुल्के कहीं आ रहे जा रहे हो तो वहां भी पहन सको। हर जगह जो है ना, वो ऐसा नहीं है आपको हेवी वाले चूड़े ही चाहिए होंगे। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा चूड़ा मंगाया है, ये दो का सेट है गाइस, दो का कॉम्बो में मैंने लिया है, एंड ये भी मैंने मीशो से लिया है, क्योंकि देखो मीशो में काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है। तो ये आप देख सकते, ये मरून कलर का है, एंड ये आप इसको घर पे भी इजीली पहन सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये एक हो गया गाइस, एंड जो दूसरा है वो कुछ इस तरह का है, मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ, बट ये पूरा ही खुल जाएगा। ये रेड कलर में है कुछ इस तरह का, ठीक है, तो इसको मैंने पहन कर देखा था, इसलिए इसका हाल कुछ ऐसा है, एंड ये है मरून, ये है रेड, तो ये दोनों ही कलर चलते हैं गाइस। तो अगर आप चाहें तो इन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इस तरह का जो है वो जरूर रखना चाहिए चूड़ा, जो कि आप डेली यूज में पहन सकते हो। उसके बाद गाइस, आपके पास में एक जो है वो इस तरह का कॉम्ब होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं वुडन कॉम्ब यूज करती हूँ, एंड आप देख सकते हैं मैंने एक अलग से सेट मंगाया हुआ है, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट का। तो आपके पास जो है वो कॉम्ब होना चाहिए, ताकि आपका हेयर स्टाइल बिगड़ जाए, या फिर आपको अगर ऐसा नीड हो कि मुझे ना थोड़े से बालों को अपना झाड़ना है, संवारना है, तो आप जो है तुरंत कंघी आपके पास होगा, आप इजिली बांध लोगे। तो अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस। नेक्स्ट एसेंशियल चीज में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये, और ये है स्लीपर। स्लीपर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास, क्योंकि गाइस आप कितने ही देर हील्स पे रहोगे तो आपके पास ऐसा स्लीपर होना चाहिए। ये फोम वाला है, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है, एंड काफी ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल भी होता है, तो आप ऐसे ले सकते हो। इसमें काफी सारे कलर्स भी आते हैं, ये मैंने मीशो से लिए हैं, सो आप भी ले सकते हो, और ये आपको लोकल मार्केट में भी इजिली मिल जाएगा।
सो गाइज, इसके बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज, वो है ये मेकअप वैनिटी बॉक्स गाइज। और ये छोटा मोटा सा है जो कि आपके पास होना चाहिए, एंड ये आपको 120 या फिर 150 के अंदर मिल जाएगा। कभी कभी प्राइस क्या है ना, ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस तरह का आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो, लाइक अपने स्किन केयर की चीज़ें रख सकते हो या फिर मेकअप वगैरह की चीज़ें रख सकते हो। इसलिए मैंने भी अपनी वैनिटी में इसको एड ऑन करा है। यहाँ नीचे में ना एक और बॉक्स दिया जाता है, तो इसमें अपने लिपस्टिक वगैरह रख सकते। So guys, ये मेकअप स्टोरेज बॉक्स आपके पास होना ही होना चाहिए। बहुत अफोर्डेबल भी है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट भी है। कितना आप खोजोगे इधर उधर सामान, कितना रखोगे, सबसे अच्छा इस पे सारा कुछ सेट कर दो, एंड आपको जब भी किसी चीज की नीड हो, सिरम या फिर क्रीम या फिर लिपस्टिक या फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन के ब्रशेस वगैरह, आप यहीं से लोगे और आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली गाइज, आप इसको ट्राई आउट करके देख सकते हैं। लास्ट एसेंशियल चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो है ये स्टोरेज बॉक्स गाइज। ये बिलीव मी आपके पास होना ही होना चाहिए। ये भी आपको 100 रुपीज में इजिली मिल जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। मैंने अभी इसमें ये सारी चीजें रखी भी, आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने इसमें इयररिंग्स रखे हुए, क्लिप्स रखे हुए हैं, इसमें मैंने काफी सारे फिंगर रिंग्स रखे हुए हैं और इयररिंग रखे हुए, झुमकियां, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें जो है ना, आपको 46 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, छोटे छोटे से आप इसको एडजस्टेबल भी बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ के बीच के हटा दिया पार्टीशन, जिसके वजह से ये वाला जो है ना, मैंने इसी में रख दिया है। तो काफी सारी चीजें आप इसमें रख सकते हो अगर आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज होता है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम कहीं भी उतार के रख देते हैं और फिर हमें याद ही नहीं आता, फिर वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ऐसी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हो, ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। तो इस तरह की चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये था मेरा लास्ट एसेंशियल चीज जो कि हर एक दुल्हन के पास होना चाहिए, चाहे आप ब्राइड टू बी हो या फिर न्यूली मैरिड वुमन हो गाइस। तो आपके पास ये सारी एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। बिलीव मी, ये आपके लाइफ को बहुत ज्यादा इजी कर देगा। एंड सारी जो मैंने ये प्रोडक्ट को एड ऑन कराया गाइस, बहुत सोच समझ के मैंने परचेज करा, बहुत सोच समझ के मैंने लिया है कि कौन कौन सी चीजें मेरी जरूरत की हो सकती है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी समझ आता है कि आपके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो आप भी जरूर एड ऑन करें अपने वैनिटी पे। अगर में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं वेडिंग एसेंशियल चीजों से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूं, एंड आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूं, जो कि मुझे लगता है कि देनी चाहिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह के कॉन्टेंट पसंद करते हैं या देखना चाह रहे हैं, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, एक लाइक जरूर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो और मैं इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए बना पाऊं। That was it for this video. I hope कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी किसी भी रीजन से पसंद आया होगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इट्स मीन अ लॉट फॉर मी गाइस। तो गाइस, अब मैं आती हूं किसी अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।